हींग डालेंगे, हींग को तड़कने देंगे। हींग को तड़कने के बाद हल्की सी लाल हो रही है, उसके बाद में डालेंगे राई थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे राई ज़्यादा चलती है। उसके बाद हल्का सा जीरा, जीरा डालने के बाद हमने कुछ चीज़ें ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़ी लाल मिर्ची, लहसुन और हरी मिर्ची को हमने कूट लिया है, और कड़ी पत्ता। तो जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैं डालूंगी लाल मिर्ची, लहसुन, लहसुन को थोड़ा रेड ब्राउन होने देंगे। ये रेड ब्राउन हो चुका है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन, हरी मिर्ची, कड़ी, और उसके बाद मैं डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। सर्व करने के बाद क्योंकि थोड़ा मुझे कड़ी पत्ता का टेस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको तरीके से अब डाल रहे हैं, और इसको थोड़ी देर 15 सेकेंड हल्का सा भून लेंगे। अब देखिए ये हल्का सा रेड ब्राउन हो गया है, इसके बाद हम इसी में मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी थोड़ी सी, खड़ी लाल मिर्ची जो कि हमने डाली है तो हम पिंच भर हम डालेंगे स्वाद के लिए, और धना पाउडर हम आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि इससे स्वाद क्या होगा बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। बस इसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारे मसाले एकदम गले ना, गैस को एकदम सिम आंच पे रखना है। सिम आंच पे रखने के बाद अब हम जो हमारा मिश्रण है बेसन और कड़ी मतलब दही का, उसको हम अब इसमें पोर करें, और जब हम इसको पोर कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यूस हम चलाते रहेंगे। देखिए इससे हमारी कड़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं, दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं, और ये इसमें बिल्कुल अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब ये जैसे थोड़ा गाढ़ा है ना, हम देख सकते हैं हमने प्योर मठा और हमने बेसन का घोल डाला। इसके बाद मैं गर्म पानी डालूंगी, जितनी पतली या जितनी भी हमको थिकनेस चाहिए कड़ी में, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी, और अभी एक खौल आते तक मैं इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालूंगी। इस पॉइंट पे हम गैस सिम करेंगे और हमें जितना नमक चाहिए हम उसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसे पकने के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे, जब तक कि हम लोगों के इसमें कहा जाता है कि बेसन फूटना चाहिए, तो बेसन जब तक अच्छे से फूट ना जाए। जो पकोड़ा हमने तलकर रखा था बिल्कुल आप देख रहे हैं कि तो सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं, बस अब इसको हम इसमें पोर कर देंगे। बस 15 सेकेंड इसको फूलने दें, उबलने देंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। हमारी कड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी।